नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊँगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं अब वृष राशि की। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वृष राशि वाले लोगों की। तो जिन लोगों की राशि वृष है, ऐसे लोगों को इस साल अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए सूझबूझ लगानी पड़ेगी, और सूझबूझ लगाएंगे तो जरूर उनसे आगे निकल जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रशासक वर्ग का अति विश्वासपात्र बनने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी जगह नौकरी करते हैं तो जरूर आपके जो बॉस है वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आप उनके कृपा पात्र जरूर बनेंगे। साथ ही सहकर्मी से तनाव बनेगा, यानी कि अगर आप जाहिर बॉस से अगर आपकी दोस्ती अच्छी हो गई, बॉस से अगर आपकी पटती है, तो जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनसे जरूर आपका मनमुटाव रहेगा। पुरानी या कम उपयोगी संपत्ति का नए ढंग से उपयोग करने का सक्रियता से विचार होगा। यानी कि आप अगर आपका कोई काम पड़ा हुआ है जो अटका हुआ है और आप चाहते हैं उसको नई तरीके से उसको किया जाए, कोई संपत्ति ऐसी है जो नई तरीके से आप उसको कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय वो काम को कर सकते हैं। नए मकान दुकान की खरीदी का संयोग भी बन रहा है, यानी कि अगर आप कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। ये वर्ष का जो उत्तरार्ध है उसमें कोई भी मकान जैसे आपका है तो उसमें उसकी मरम्मत करवाने में, या कोई आपकी मशीनरी है उसकी मरम्मत करवाने में आपका फालतू का पैसा खर्च हो सकता है। पारिवारिक क्षेत्र में विवाह संबंधी दायित्व निर्वहन करने का योग भी बन रहा है, यानी हो सकता है घर में किसी प्रकार का या किसी इंसान का विवाह हो रहा है तो उसको पूरी तरह से करवाने में आपका योगदान रहेगा, और इसमें आपको अपना योगदान देना भी है। वर्ष की शुरुआत में संतान पक्ष से चिंता बढ़ सकती है। जो पहले 3 महीने हैं वर्ष के, उसमें संतान से किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मानसिक श्रम अधिक करना पड़ेगा, जो आपके उदर विकार का कारण भी बनेगा, क्योंकि जब इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मानसिक परेशानी जरूर आ जाती है, मतलब टेंशन ज़्यादा रहती है, उस टेंशन के कारण आपका जो पेट गड़बड़ रह सकता है, तो इससे आप बचें। और पेट गड़बड़ जब होगा तो कब्ज की बीमारी, पित्त की बीमारी, ज्वर आदि से कष्ट होना लाजमी है, यानी कि ये चीज़ आपको हो सकती है, इसलिए आप इसको बच के रहना है। इसके बावजूद स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ चलती रहेगी लेकिन बहुत बड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप बाहर कार्यरत हैं तो आपको अपने गृह नगर या उसके निकट स्थानांतरण प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यानी कि अभी फिलहाल हो सकता है कि आप बहुत दूर कहीं काम कर रहे हो, आपका परिवार कहीं रह रहा हो, आप कहीं काम कर रहे हो, लेकिन ये इस साल जो है वो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आप अपने जहाँ पर आप पैदा हुए हो या जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर आप आ सकते हो। यदि आप नौकरी हेतु प्रयत्नशील है तो प्रतियोगी परीक्षा में कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी। कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको तभी सफलता मिलेगी जब आप बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करें। कृषि के कार्य में सफलता मिलेगी, अगर आप एक कृषक हैं तो आपको इस साल अच्छी फसल मिलने के संकेत बन रहे हैं। राजनीति में भी उन्नति के अवसर में वृद्धि होगी, और अगर आप राजनेता हैं तो आपको इस मार्ग में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। ये वर्ष उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो किसी चीज़, ये सर्विस सेक्टर में जो कोई नई चीज़ें बनाते हैं, कोई चीज़ नई चीज़ उत्पादन करते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप इस साल में आने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं और साथ ही जो अच्छी चीज़ें उसमें और वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको श्री यंत्र का पूजन जरूर करना चाहिए। अपने इष्ट देव की आराधना उपासना भी आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही फलदार वृक्ष लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।